दोस्तों आसमान बहुत विशाल और विस्तृत होता है, आसमान में छेद करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन शायरों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने उसका रास्ता बनाया और बताया कि आप आसमान में भी सुराख कर सकते हैं अगर तबीयत से पत्थर उछालेंगे तब होगा। आज का जो आयोजन है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, नए संगठन या नए बैनर की जरूरत क्यों है। तो वैसे ही समाज में हमारे बहुत सारे बैनर काम कर रहे हैं, जिस तरह से इसकी तैयारी लगातार हो रही थी और रतनलाल जी जिस जिद के साथ, जिस जज्बे के साथ इसमें लगे हुए थे, तो मैं इस मन से ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन है या इस तरह के जो आयोजन है, ये ब्राह्मणवादी आसमान में अम्बेडकरवादी पत्थर को तबीयत से उछालने का काम कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं कि यहां इस तरह की बातें हो, यहां इस तरह की सोच, इस तरह की समझदारी हम लेकर जाएं कि यहां से निकली हुई आवाज दूर तलक ही नहीं जाए बल्कि देश के कोने कोने में यहां की आवाज जानी चाहिए। दोस्तों आज हम सब जिस एक चीज से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, तमाम सारे अमन पसंद, तरक्की पसंद लोग जो एक ऐसी चीज से त्रस्त है, वो है हमारी सरकार। सारे लोग सरकार से त्रस्त हैं। मैं इसे इस रूप में कहूंगा कि ये सरकार यहाँ के का जो बहुजन समाज है, जो 85% लोग हैं, उनको सबक सिखाने वाली सरकार है। ये सरकार उनको सबक सिखाने के लिए आई है। जब तुम्हारे सामने बाबा साहब थे, तुम्हारे सामने गौतम बुद्ध, तुम्हारे सामने रविदास और कबीर थे, और तुम्हारे सामने मानवर काशीराम थे, जिन्होंने ऐसे दर्शन दिए, ऐसे विचार दिए, ऐसा रास्ता दिखाया, तुमने इन सब को अपनाना जरूरी नहीं समझा। हिंदुत्व की उसी गुलामी में, उसी कीचड़ में, उसी बदबू में तुम जीते रहे, तो हम तुम्हें सबक सिखाने एक बार फिर सामने आ गए। पुष्यमित्र सुन तो मर गया, मैं मानता हूं वो जिंदा है, हमारे आपके पीछे ही रहता है, हम सबके मोहल्लों में रहता है और बहुत सारे लोगों के दिल में भी रहता है। आज दिल्ली की गद्दी पे पुष्यमित्र सुन का ही एक प्रतिनिधि विराजमान है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विराजमान है। जब आप लड़ेंगे, जब आप आपस में लत्तम जुत्तम करेंगे, तो फायदा तो 15% लोगों को ही होगा। ये बात आपको आज तक समझ में नहीं है। हमारे एक सम्मानित साथी यहाँ बोल के गए कि उत्तर प्रदेश में खास पार्टी ने ओबीसी की बात नहीं की प्रमोशन में, रिजर्वेशन में, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। लेकिन मेरे मित्र, आपको यही बताना चाहिए था कि उनको तो नकार दिया, लेकिन जिसको स्वीकार किया वो आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर देंगे क्या? इस पर शर्म करनी चाहिए हमें। इस बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं। गुलाम अनपढ़ लोग भी होते हैं, और मैं मानता हूं कि अनपढ़ से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग गुलाम होते हैं। हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही गुलाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कहा शिक्षित करो या शिक्षित बनो, तो वो शिक्षा नहीं थी जो यहाँ की ब्राह्मणी समाज हमें शिक्षा देती है। वो शिक्षा थी चेतना फैलाने वाली शिक्षा, वो शिक्षा थी जागरूकता फैलाने वाली शिक्षा। बाबा साहब के बाद जितने हमारे बहुजन महापुरुष हुए, मैं मानता हूं किसी कोई जाति नहीं थी, किसी का कोई धर्म नहीं था, वो सब एक ही बात करते थे, हम सब ने अपने अपने जातियों के महापुरुष भी अलग कर लिए। दिलचस्प ये है, चाहे जगदेव प्रसाद हो, रामस्वरूप वर्मा हो, फिर यार ललई साहब हो, ये सब बाबा साहब को भी मानते हैं, गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन इनके समुदाय के लोग हैं, इनके जाति के लोग हैं, वो ना बाबा साहब को मानना चाहते हैं ना गौतम बुद्ध को मानना चाहते हैं, लेकिन वो मानते हैं। अरे शर्म की बात है यार, इतना सारा 22 वॉल्यूम बाबा साहब अम्बेडकर लिख गए, 3 से 4 किताबें पढ़ जाओ, पेरियार साहब की पतली सी किताबें सच्ची रामायण उसी को पढ़ जाओ, फुले साहब की किताबें गुलामगिरी उसको पढ़ जाओ, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग मोटा मोटा रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, लोग गीता पढ़ लेते हैं, लोग जो है पुराणों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पतली हमारी किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए सबके सामने पर्दा लगा हुआ है, बहुत मोटा सा और काला सा पर्दा। अली अनवर साहब ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था, जब JNU में पहली बार आए थे, और यहाँ कहने में भी वो तो शुक्ति नहीं होगी, पहली बार मेरे ही रूम में आए थे 162 कावेरी में, जब वहाँ का छात्र था। उस समय वहाँ के पसमानदा जो छात्र थे, वो पसमानदा के बारे में नहीं जानते थे। हमने इनकी किताब मंगाई, 100 कॉपी है, उसको बेचा, वहाँ पर फिर पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमेशा ये मन से बोलते थे
कि पासमानदा मुसलमान और दलितों का रिश्ता जो है दर्द का रिश्ता है। मैं उसी बात को कहना चाहता हूं कि दलित आदिवासी और जो पिछड़ा समाज है, जो पासमानदा मुस्लिम समाज है, इन सबका दर्द का रिश्ता है। जब सबका दर्द का रिश्ता है तो लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यानी जो बदमाश लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो हमें अलग कर देते हैं। उनके पास ऐसे महापुरुष नहीं है। अभी आरएसएस में अमित शाह ने कहा कि हमें आजादी के आंदोलन में हमारा क्या योगदान, हम इस पर रिसर्च कराएंगे, इस पर अध्ययन कराएंगे। ये लोग टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं कि हमारे लोगों ने कहां आजादी के आंदोलन में काम किया। अरे भैया, तुम झारखंड में जाओ, तुम छत्तीसगढ़ में जाओ, हमारे तमाम सारे जो आदिवासी वहां के भाई हैं, आदिवासी सेनानी है, बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कानू हो, तिलका मांझी हो, या नागालैंड के रानी गिडालू हो, या फिर रानी दुर्गावती हो, वो शंकर साह हो, रघुनाथ साह हो, वीर नारायण साह हो, ये पूरी परंपरा है। तुम टॉर्च लेके ढूंढ रहे हो, हम हैलोजन घुमा के घूम रहे हैं। हमारे लोग जानने के लिए जिस छत्तीसगढ़ में, जिस झारखंड में आदिवासी बहुल है, जिस उड़ीसा में आदिवासी बहुलता है, जिस बंगाल में आदिवासी बहुलता है, शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दुख की बात है कि वहां उनकी सरकारें हैं जो आदिवासियों के सबसे ज्यादा खिलाफ है। इतने बड़े, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? झारखंड में क्रिश्चियन ट्राइब और नॉन क्रिश्चियन ट्राइब का झगड़ा इन्होंने लगाया, आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं। जब आपस का झगड़ा निपट जाएगा तब वो आरएसएस से भिड़ेंगे, तब तक आरएसएस बहुत दूर तक चला जाएगा। आप देखिए कि वो ये, मैं बात मैंने अभी हाल में फेसबुक पर लिखा था कि जब भी मैं किसी वामसेव के कार्यक्रम में जाता हूं तो पहला सवाल लोग करते हैं, किसका वामसेव, कौन वाला वामसेव, किस गुट का वामसेव? तो बताइए इस गुट का वामसेव, तो कहते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल है। तो लगभग 10-12 ओरिजिनल वामसेव मार्केट में घूम रहा है, लेकिन आरएसएस कितना? एक आरएसएस, एक आरएसएस है, इसलिए सत्ता में है, और 10-12 वाम से है, इसलिए हम गुलाम बने हुए हैं, और अगले 20 साल में गुलाम। हमारे समाज में मेढक ज्यादा पाए जाते हैं, और हम लोग हमारे नेता उनको तराजू पर तोलना चाहते हैं। मेढक कहां से तराजू पर तोले जा सकता है? हमारे समाज केकड़ावाद में भरोसा करता है, एक केकड़ा का ऊपर चला गया तो 25 केकड़े उसको खींच के नीचे गिरा देते हैं। कम से कम जो आपका आयोजन है और ये बहुजन समन्वय सम्मेलन है, जो ऐसी चर्चा है कि कई राज्यों में होने वाला है, मैं ये चाहूंगा इस मन से कि हम सब मिलके अपने समाज में जो ये मेढकवाद है और जो ये केकड़ावाद है, इससे अपने समाज को मुक्त करें। आज के इस आयोजन में बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ लोगों ने कहा था ये लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है खास पार्टी हमारी है दलितों के, उसके खिलाफ तो नहीं खड़े होने जा रहा है। अरे भाई, तस्वीर में बाबा साहब है, तमाम सारे महापुरुष है, हम ईद की बातें करने जा रहे हैं, उन्हीं की बात सुनने और उन्हीं की बात करने के लिए आ जाओ। लेकिन हम सब ने अपने अपने खांचे बना रखे हैं। यहाँ बजरंग दल काम करता है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, दुर्गा वाहिनी काम करती है, ऐसे लंबी फेरिस्त संस्थाओं की, इतने सारे इनके मुंह है, काम करते हैं, किन्हीं की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सबका लक्ष्य एक है, सब एक ही जगह वोट डालते हैं, उनके नेता उनको धोखा नहीं देते हैं, उनके नेता अपने एजेंडा पे काम करते हैं, चाहे सो कॉल्ड ओबीसी हो या ब्राह्मण हो या कोई भी सवर्ण हो, इनका जो नेता सत्ता में होगा वो वही काम करेगा जो आरएसएस का एजेंडा है। हमारा नेता जब सत्ता में होगा बताने की जरूरत नहीं है। हम कार की हांडी को बार बार चढ़ाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इसी से कुछ हल निकल जाएगा। समय बदल गया है दोस्तों। हे मेरे नेता भाई, जिस बुद्ध को तुम मानते हो, उस बुद्ध ने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब को के हिसाब से चलो। बाबा साहब ने उसी चीज को कहा कि समय परिस्थिति के हिसाब से बातों को तौलिए और अपना रास्ता तय कीजिए। अगर एक रास्ता हम देख रहे हैं कि आगे गड्ढे में गिर रहा है तो रास्ता तो बदलना पड़ेगा, लेकिन हम उसी रास्ते से चलकर मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, मंजिल कभी हासिल नहीं। हम लगातार गर्त में जाते जाएंगे, गर्त में जाना हमें अच्छा लगता है। हम सवाल से बहुत घबराते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम किस परंपरा में आते हैं। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या काम किया था? सवाल खड़े किए थे, इस व्यवस्था के सामने सवाल खड़े किए थे। पूरी संत परंपरा में, चाहे रविदास जी महाराज हो, संत कबीर हो, ये सब ने सवाल खड़े किए थे। और आधुनिक भारत में ज्योतिबा फुले से लेके सावित्री बाई फुले या बिरसा मुंडा या जितने आदिवासी नायक हैं, पेरियार साहब है, और सबसे सबसे जो है सबसे आगे चल के मान्यवर काशीराम साहब, इन सब ने सवाल खड़े किए। सवाल वही लोग खड़े करते हैं, सवाल वही खड़े करते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, और सवालों से वही लोग घबराते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते।
उनके सामने तो हम सवाल खड़े करते हैं, सवर्णों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने, वो तो सवाल से घबराते हैं, लेकिन जब हम अपने लोग के सामने सवाल खड़े करते हैं तो ये भी घबराते हैं। सवाल तो सुनना पड़ेगा भाई, हजारों लाखों करोड़ों लोग के सपने तुम्हारे ऊपर है, हम सब ने सपने तुम्हें सौंप दिए, हमने बाबा साहब को सपने सौंपे, बाबा साहब ने धोखा नहीं दिया, हमने काशीराम साहब को सपने सौंपे, उन्होंने धोखा नहीं दिया, लेकिन बाप के नेता अगर हमारे सपनों का सौदा करते हैं तो सवाल तो करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन जब जवाब नहीं दिया जाता है तो हमें नए रास्ते बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप नए रास्ते बनाने से डरते हैं, लेकिन वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ज्यादा जय बोल रहे हैं, और उन्होंने एक भीम ऐप चलाया, उसका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुष्प्रचार किया है कि भीम ऐप बाबा साहब के नाम है। मन से बार बार मोदी कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर के चलते हूँ। झूठ ही सही, हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ओबीसी भाई लोग झूठ में ही सही ये बात नहीं कहना चाहते, तो नहीं कहना चाहते हैं तो रहिए फिर गुलामी की। संकट बहुत बड़ा है दोस्तों हमारे, और बीच बड़े बड़े वक्ता हैं जो इस पर बात रखेंगे। मैं चाहता हूं इस बात को समझे, सारे विश्वविद्यालयों में आज की तारीख में, जैसा कि अनु बता रही थी, गोरखपुर में देश का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां SC ST OBC लोगों को, मुस्लिम लोगों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। टॉर्चर किनको किया जाता है, परेशान किनको किया जाता है, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जो चीजों को गलत चीजों को दूर करना चाहते हैं, उन सब को टॉर्चर किया जा रहा है। केवल स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स भी टॉर्चर हो रहे हैं। रतन लाल इसके बड़े उदाहरण है, मैं खुद 2 साल सस्पेंड और टर्मिनेट रहा, और मेरे वाइस चांसलर ने मुझे कहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैं प्रोबेशन में था, बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे वो, कि तुम बाबा साहब के कार्यक्रमों में जाते हो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चलते तो नौकरी मिली है, बाबा साहब के चलते नौकरी जाएगी, सहयोग कर सकता हूँ। नौकरी गई, मैंने अपना काम जारी रखा, और नौकरी, ये देश, ये सरकार किसी के पिताजी की कृपा से नहीं चलती है, ये देश हमारे पिताजी की कृपा से चलती है, हमारे पिताजी ने इस देश का संविधान बनाया है, ये देश, ये सरकार, ये विश्वविद्यालय, जितने संस्थान हैं ये संविधान से चलते हैं। 2 साल बाद हाईकोर्ट से जीत कर उन्हीं की छाती पर मूंग दलने फिर से आए, लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता। मैंने कहा कलकत्ता नहीं, होलोलुलु भी करोगे, वहां से भी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चल रहा है। दोस्तों लड़ाई लंबी है, बातें बहुत सारी हमारे उद्वक्ता यहाँ पे हैं, मैं अंतिम बात मैं यही करके जाऊंगा कि सबक जरूर हम सीखे। 5000 साल का जो इतिहास है, 5000 साल में जो हमारे साथ हुआ, हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपनी मेहनत से उस इतिहास को बदलने की कोशिश की, आज फिर हम कहीं ना कहीं उसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे जो भी नौजवान लोग हैं, ऐसे जो भी अम्बेडकराइट लोग हैं, सबको एक साथ एक मंच पे आने की जरूरत है और एक विकल्प की तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि बगैर विकल्प किए हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है वो हमें माफ नहीं करेगी। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए आज हमें झगड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।